मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम आगे करेंगे पार्ट 3 में. आगे फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी मीन्स ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स इक्वल है एंगल ए ओ सी इस एंगल के. ठीक है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं. तो उन्होंने कहा है कि प्रूव करो, ये प्रूव करो कि बी ओ सी, बी ओ सी मीन्स ये वाला जो एंगल है इक्वल होना चाहिए एंगल ए ओ डी के, ए ओ डी के इस एंगल के इक्वल होना चाहिए. हमें ये प्रूव करना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें जो भी गिवन होता है स्टेटमेंट में हम सबसे पहले वो लिखते हैं. हमें गिवन क्या है, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ सी, ये ओ है ए ओ सी, ये हमें गिवन है. ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी, बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ डी. ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं, एंगल बी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ सी. ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड करेंगे, एंगल डी ओ सी, ये वाला जो एंगल है वो इसमें भी ऐड कर देंगे और इसमें भी ऐड कर देंगे. डी ओ सी को हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी. ठीक है, अब देखो बी ओ डी, बी ओ डी ये वाला एंगल था, हमने क्या किया इसमें ये जो है ऐड कर दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसमें ऐड कर दिया. तो ये कितना बन गया टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये टोटल बन जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक. तो इस एंगल का नाम क्या बन जाएगा, बी ओ सी. ये पूरा बन गया ना, जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये पूरा बन गया. तो इस एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट. अब देखो ए ओ सी में इसमें जब हम इतना हिस्सा प्लस कर देंगे, डी ओ सी को प्लस करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा, है ना, टोटल एंगल बन जाएगा. ठीक है, क्या इसका नाम क्या होगा, ए ओ डी, ए ओ डी हैंस प्रूव्ड. खत्म हो गई है, तो इससे आगे जो है अब मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी. थैंक यू.